हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर जिले की सिवाना विधानसभा में कांग्रेसियों का मनमुटाव काफी दिनों से सामने आ रहा है। कांग्रेस द्वारा नए राजपूत चेहरे के रूप में पंकज प्रताप सिंह को टिकट दिया था, जिसके बाद से पूर्व मंत्री गोपाराम, पूर्व प्रधानमंत्री गरिमा राजपुरोहित समेत कई कार्यकर्ता पार्टी आलाकमान से नाराज नजर आ रहे थे। पूर्व में गरिमा राजपुरोहित ने आलाकमान के निर्णय पर सहमति जताई और घोषित प्रत्याशी को समर्थन दिया। वहीं रविवार को पूर्व मंत्री गोपाराम की भी घर वापसी हुई है। पूर्व मंत्री समेत कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान प्रत्याशी पंकज प्रताप सिंह समेत कस्बे के कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पार्टी से नाराज वालाराम निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि वालाराम से जुड़े नेता धीरे धीरे वापस कांग्रेस के खेमे में जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से पहले कांग्रेस के प्रधान के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उससे सिवाना की जनता के अंदर जो रोष था, उसके साथ साथ मैंने भी सिवाना से दावेदारी पेश की थी, लेकिन आलाकमान ने जिस भी प्रत्याशी को यहाँ पे भेजा है उसको देखते हुए सिवाना की जनता में वापस एक आक्रोश दिखाई दिया, तो उस वजह से मैंने निर्दलीय फॉर्म भरा था। और वो निर्दलीय फॉर्म मैंने हमारे बड़े भाई साहब पंकज प्रताप जी, जो यहाँ पे कांग्रेस का सिंबल लेके पधारे हैं, उनके पक्ष में मैंने वो फॉर्म खींच लिया और पूरे सिवाना क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने का निर्णय लिया। सिवाना से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।